नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको माइक्रोफेयर इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। किसके क्या इसके यूज़ हैं, क्या साइड इफेक्ट है, किस में कंपोजिशन पाया जाता है, किस किस बीमारी में हम माइक्रोफेयर इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, माइक्रोफेयर इंजेक्शन की बात करें तो माइक्रोलैब्स फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। प्राइस की बात करें तो 325 रुपीज़ की इस पर MRP होती है। दोस्तों 5 ml की एक एम्ब्यूल में आता है ये, और ये एक आयरन सुक्रोज इंजेक्शन होता है। दोस्तों, इस इंग्रेडिएंट की बात करें तो एलिमेंटल आयरन 100 mg इसके अंदर पाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसके यूज़ की, किस किस बीमारी में हम इस माइक्रोफेयर इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके इस्तेमाल की बात करें, जो हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है उसको दूर करने के लिए माइक्रोफेयर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एक प्रेगनेंसी में जो महिलाओं में जो अनीमिया की कमी हो जाती है उसको दूर करने के लिए इस माइक्रोफेयर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यदि हमें लंबे समय से कोई बीमारी है उसके कारण यदि हमें अनीमिया हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हम इस माइक्रोफेयर इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आयरन की कमी से होने वाला जो एनीमिया होता है हमें, उस कंडीशन में भी हम माइक्रोफेयर इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह की पैकेजिंग में माइक्रोफेयर ये इंजेक्शन आता है। दोस्तों इस तरह की पैकेजिंग में मिल जाएगा आपको माइक्रोफेयर इंजेक्शन। इसमें जो फ्लूड होता है दोस्तों वो ब्लैक कलर का होता है। दोस्तों यदि आपको आयरन की कमी हो जाए तो उसको दूर करने के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला है। दोस्तों यदि आपको आयरन की कमी है और आपका आयरन दूर नहीं हो पा रही है तो आप एक बार इस आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें, तो जो आपको जो आयरन की कमी है वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों स्पेशली जो महिलाओं में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन का। दोस्तों बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, इसके साइड इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है इसके इस्तेमाल करने से, सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है, चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। दोस्तों ये केवल IV इस्तेमाल किया जाता है, इंट्रावेनस। दोस्तों इसके डोज की बात करें, कितनी कितनी मात्रा में इस आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल जो किया जाता है एडल्ट में, एक दिन छोड़कर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अगले दिन छोड़कर उसको नेक्स्ट डे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।